नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वायरिंग के गुच्छा आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना सारा वायर इसमें लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वायर है दोस्तों देख सकते हैं। और ये बाइक है दोस्तों, ग्लैमर बाइक है दोस्तों, ठीक है। और ये अगाड़ी के जो भाइजर के भीतर रहता है ये पूरा वायर का गुच्छा देख सकते हैं। इसी के बारे में हम आपको फुल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायर इसमें है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ना आपके लिए एकदम यानी कि यूजफुल होने वाला है, और आपके लिए दोस्तों ये वीडियो है, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं वायरिंग का प्रॉब्लम आए, बाई चांस कहीं हेडलाइट की प्रॉब्लम आ जाए, इंडिकेटर की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी दोस्तों अगर वायरिंग के प्रॉब्लम आए, तो अगर ये वायरिंग का कलर कोड आपको पता रहेगा तो इजीली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बाइक है ना दोस्तों, ये है ग्लैमर बाइक है दोस्तों, ठीक है। और इसी के दोस्तों ये वायरिंग है, और ये है अगाड़ी के भाइजर के भीतर जो वायरिंग का गुच्छा रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो वायरिंग का ये गुच्छा है, ये अगाड़ी के लुक्स दोस्तों देख सकते हैं, ये अगाड़ी का भाग के वायरिंग का गुच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के ऊपर दोस्तों हम फोकस करेंगे और एक एक वायर के बारे में हम आपको सही जानकारी देंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और ये अपना भाई का ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले हम ये वाला सॉकेट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों। और ये जो सॉकेट का ये पूरा जो वायरवा है ना दोस्तों, ये पूरे का पूरे वायर दोस्तों हमारे मीटर बॉक्स में जाता है दोस्तों, ठीक है, मीटर बॉक्स में, ठीक है। आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है पूरा का पूरा हरा कलर का वायर है दोस्तों, ये है बॉडी अर्थिंग, ठीक है। दोस्तों वीडियो एकदम ध्यान लगा के देखिएगा दोस्तों, और माइंड में सेट करने का कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए दोस्तों ये वीडियो है, और आपके लिए दोस्तों ये एकदम फायदाजनक वीडियो है दोस्तों। तो ये बॉडी अर्थिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये कलर के वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिकेटर का, ठीक है। तो समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। और ये पूरा का पूरा नीला कलर के वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये है दोस्तों हाई बीम का, ठीक है। जैसे ही हम हाई बीम बालते हैं तो मीटर बॉक्स में एक सिग्नल बलता है हाई बीम का, ठीक है। तो ये उसी के वायर है दोस्तों, और उसी के ये काम वायर आता है दोस्तों, ठीक है। और ये है दोस्तों फ्लाशर का, ठीक है। तो आप समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों देख सकते हैं जो ये टंकी से आता है एक वायर दोस्तों, ठीक है, हमारे कितना पेट्रोल है दिखाने के लिए ये वाला वायर में दोस्तों सिग्नल आता है, जो आप कलर कोड दोस्तों देख सकते हैं, पीला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ये टंकी से आता है, ठीक है। तो आप समझने का कोशिश करिएगा। और ये पूरा का पूरा काला कलर का वायर दोस्तों देख सकते हैं, तो ये इसमें आता है 12 वोल्ट करेंट। जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करते हैं ये कालवा वाला वायर में आ जाता है 12 वोल्ट करेंट। तो आप समझने का कोशिश करिएगा। और ये भी दोस्तों इंडिकेटर का है, एक ये इंडिकेटर का हो गया, और एक ये इंडिकेटर का हो गया, जो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक हो गया लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का, और एक हो गया राइट साइड का इंडिकेटर का, जो आप कलर कोड समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये चॉकलेटी कलर के वायरवा है दोस्तों, ये चॉकलेटी कलर के वायर है दोस्तों। जैसे ही हम हेडलाइट को एक स्टेप बालते हैं तो हमारे पार्किंग लाइट बल जाता है, और मीटर बॉक्स में भी छोटे छोटे 2-3 लाइट होता है, वो मीटर ऑन हो जाता है, ठीक है, बल्ब बल जाता है दोस्तों। तो आप समझने का कोशिश करिएगा। और ये है दोस्तों न्यूट्रल का, जो हमारे न्यूट्रल स्विच से आता है, और यही वाला वायर के जरिए से हमारे न्यूट्रल लाइट शो करता है दोस्तों। एक एक वायर के बारे में हम आपको सही जानकारी दी है दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप यानी कि रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका यानी कि काम खलास हो गया, इसका हम एकदम फुल जानकारी आपको दे दी है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये सॉकेटवा दोस्तों देख सकते हैं, तो ये सॉकेटवा जो है ना दोस्तों, ये है हमारे डीपर स्विच का है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इसका, ये है इसका है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं से हमारे इंडिकेटर काम करता है, और हॉर्न काम करता है, ठीक है, और दोस्तों हमारे हेडलाइट भी बलता है यही वाला सॉकेट के जरिए से दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये पीला वाला वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये तो मेन लाइन हो गया दोस्तों। ये कहाँ से आता है, तो रेक्टिफायर से आता है दोस्तों, और स्विच में हमारे घुस जाता है, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर से आता है दोस्तों, तो आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगता है, तो ये अपना भाई का सपोर्ट करें दोस्तों, बहुत सारा सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है। तो ये पीला कलर के वायर के बारे में हम आपको कह दिए हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये चॉकलेटी कलर के वायर दोस्तों, तो ये तो हो गया, जैसे ही हेडलाइट को एक स्टेप बालते हैं तो पार्किंग लाइट बलता है, वही ये पार्किंग लाइट का है, ठीक है, जो हमारे हेडलाइट अगाड़ी एक छोटा सा बल्ब बल जाता है, और मीटर भी हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है, और पछाड़ी का भी बैक लाइट एक फ्यूज बल जाता है दोस्तों। तो यही एक वायर हमारे काफ़ी ज़्यादा जगह पर जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये एक देख सकते हैं काला कलर के वायर है दोस्तों, तो ये जो वायर है ना दोस्तों, ये हो गया 12 वोल्ट करंट का, इग्निशन स्विच ऑन करते ही 12 वोल्ट करंट ये वाला वायर में आ जाता है, ठीक है। तो आप समझने का कोशिश करिएगा। और ये एक वायर दोस्तों देख सकते हैं, तो ये है दोस्तों फ्लाशर का, ठीक है, मेन लाइन ये फ्लाशर का है, ठीक है। हम आपको फ्लाशर में भी हम आपको प्रूफ बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये फ्लाशर वाला दोस्तों देख सकते हैं, और ये कलर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक कलर देखिएगा दोस्तों, ठीक है, और ये आप कलर दोस्तों देख सकते हैं, सेम टू सेम है, तो समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों देख सकते हैं ये
देख सकते हैं दोस्तों ये कलर, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये कहाँ जाता है, तो हमारे हॉर्न में जाता है, इसके ही जरिए से हमारे हॉर्न बजता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हो गया हाई बीम का पूरा नीला कलर का वायर दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हाई बीम का है, ठीक है। इसके जरिए से हमारे हेडलाइट हाई बीम बल जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का और एक राइट साइड का इंडिकेटर का, ठीक है। राइट एक लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन होता है और एक राइट साइड का इंडिकेटर ऑन होता है, ये दोनों वाला वायर के जरिए से। और ये दोस्तों हो गया हमारे लो बीम का, जो पूरा का पूरा सफ़ेद कलर के वायर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप समझने का कोशिश करिएगा। और दोस्तों ये एक दो वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये हरा कलर का वायर है, ये तो बॉडी अर्थिन है, आप समझने का कोशिश करिएगा। और ये एक जो वायर है दोस्तों, ये हमारे क्लॉज स्विच में जाता है, ये भी हमारे क्लॉज स्विच में जाता है और ये भी हमारे क्लॉज स्विच में जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अब रह गया दोस्तों, देख सकते हैं ये एक छोटा सा रिले दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिले किस काम के लिए है और ये रिले का काम क्या है दोस्तों, ठीक है, हम ये रिले के बारे में एक अलग वीडियो हम आपको बनाएंगे और खूब अच्छा तरह से हम आपको समझाएंगे दोस्तों। ये रिले बहुत मायने रखता है दोस्तों, ठीक है, ये रिले का ही बहुत बड़ा काम है दोस्तों। तो हम अलग एक वीडियो हम आपको बना के हम आपको देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये रिले को वायर के बारे में सिर्फ हम आपको जानकारी देंगे, इसका वर्क क्या है हम अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, ये दोनों वायर तो न्यूट्रल का हो गया दोस्तों, यहाँ देखिए ये दोनों वायर दोस्तों न्यूट्रल का हो गया, ठीक है, जो हमारे न्यूट्रल स्विच से आता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो दोनों वायर है ना दोस्तों, ये दोनों वायर दोस्तों हमारे क्लॉज स्विच से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वायर के कलर कोड सिर्फ हम आपको बता दिए कि कौन वायर कहाँ जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये दोस्तों सॉकेटवा दोस्तों देख सकते हैं, ये सॉकेटवा कहाँ जाता है, तो ये भाइजर में रहता है, ठीक है, ये भाइजर में रहता है दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं ये पूरा सादा कलर के वायर दोस्तों, तो ये लो बीम का, और पूरा ये नीला कलर के वायर दोस्तों ये हाई बीम का हेडलाइट का, और ये पार्किंग लाइट का, और ये भी और ये भी, ये दोनों इंडिकेटर का, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड इंडिकेटर का, और ये हो गया बॉडी अर्थिंग, राइट। तो दोस्तों इतना हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं, ये दोस्तों बाकी है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा का पूरा काला कलर के वायर है, तो 12 वोल्ट करंट आता है और यहाँ पीला पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो ये कहाँ जाता है, तो हमारे सेल्फ रिले में जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये भी काला कलर के वायर है, तो इसमें भी 12 वोल्ट करंट आता है। और ये दोस्तों देख सकते हैं जो यहाँ हरा पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों, तो ये किसका है, अगाड़ी के। जैसे ही हम ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक लेते ही पछाड़ी के ब्रेक लाइट ऑन हो जाता है दोस्तों, तो ये ब्रेक लाइट के जरिए से ये वायर काम आता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये चाबी स्विच का सॉकेट है, तो ये पूरा का पूरा लाल कलर के वायर है दोस्तों, तो ये आता है सेल्फ रिले से, ठीक है। और जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं, तो इग्निशन स्विच ऑन करते ही इसका करंट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं यहीं से पूरा हमारा वायरिंग का फंक्शन काम करता है दोस्तों, जो यहाँ लाल पे एक काला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप समझने का कोशिश करिएगा। और ये एक फ्लाशर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा काला कलर के वायर है दोस्तों, तो चाबी ऑन करते ही ये वाला वायर में आ जाता है 12 वोल्ट करंट, ठीक है। और दोस्तों ये फ्लाशर से आउटपुट वोल्टेज यानी कि आउटपुट करंट ये निकालता है ये वाला कलर में दोस्तों, ठीक है। और यही वाला कलर का वायर दोस्तों हमारे कहाँ जाता है, तो चला जाता है इंडिकेटर वाला स्विच में, डीपर स्विच में चला जाता है, और वहीं से हमारे लेफ्ट साइड का इंडिकेटर बलता है और राइट साइड का इंडिकेटर बलता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना तो कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।